फ्रेंड्स, सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज ना मौसम, पहले सुबह बहुत अच्छी धूप थी यार, अभी ना अचानक से बारिश का मौसम हो गया और बारिश होना स्टार्ट हो गई। और आजकल ना हमारे यहाँ झागड़ा भी है, अभी शायद लफाड़ में और एक दो जगह और भी झागड़ा था, और कल फिर यहाँ थैना में है, तो हम थैना के लिए तैयार हो रखे थे और बारिश का मौसम यार अचानक सा बन गया। देखते हैं कल कैसा मौसम रहता है। स्टार्ट हो रखी है, देखो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, पूरे खेत पानी के भर गई, देखो जरा। और फिर भी बारिश हो ही रही है, हवा भी है चारों तरफ से और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। ऐसा मौसम ना यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। गाँव में तो थोड़ा ठंडा हो रखा होगा ऐसे मौसम में, लेकिन इधर ना ठंडा नहीं होता है जल्दी से। और मतलब यह कि अगर बारिश ना हो तो यहाँ पर गर्म हो जाता है, अगर बारिश हो थोड़ा ठंडा होता है और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ऐसा हो रखा, तो मैं सोच रही यार बारिश के दिन कुछ चटपटा सा हो जाए, और चटपटा सा बच्चों को भी यह कि बारिश में ऐसा लगता है बच्चे कि कहीं जा तो सकते नहीं, बाहर भी नहीं जा सकते, तो घर ही में कुछ बनाया जाए। तो मैं फटाफट से खेत में गई, खेत से मैंने मक्की तोड़ के लाई, क्योंकि आजकल मक्की का सीज़न, जिसका सीज़न होता है ना, वो बच्चों के लिए भी नुकसान नहीं करता है, किसी चीज़ के लिए नुकसान नहीं करता है। तो ताज़ी मक्की अपने खेत की, तो कोई मक्की कहता है, कोई मुंगरी कहता है, कोई टेंटे कहता है, जैसे जैसे आपके भाषा में कहते हैं आप समझ सकते हैं। तो मेरे मायका, मेरे ससुराल के भाषा में तो इसे टेंटे कहते हैं। तो मैं फटाफट से गई, मैंने तोड़ के लाई और इसको मैं बनाऊंगी। तो मतलब बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता है, बहुत ही चटपटा सा नाश्ता है। नाश्ता बताओ, या शाम का चाय के साथ खा लो आप, या सुबह नाश्ते के साथ खा लो, या अचानक कोई मेहमान आ जाए तब बना लो, मतलब ये हर चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। और मतलब ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, थोड़ा चटपटा सा बनाओ तब भी टेस्टी लगता है, अगर ऐसे ही फीका सा बनाओ तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसे बनाऊँगी और आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें और देखें मैं कैसे बना रही हूँ इसे। मैंने लिए ताज़ी सी मक्की और ये थोड़ी कच्ची थी, और सख्त वाली ना अच्छी नहीं बनती, तो थोड़ा आप ऐसे देना जो कच्ची सी होगी। तो मैंने इसको चाकू से काटा, चाकू से भी इसलिए काट रही हूँ क्योंकि जब हम इसकी वो बनाएंगे, पकौड़ी बनाएंगे, तो तेल में चटकेगी नहीं, अगर ये साबुत हम रखें तो तेल में चटक जाएगी और थोड़ा सा डर भी लगता है यार जलने का, हाथ जलने का भी डर लगता है। तो मैंने फटाफट से इसे काटा, इस तरह पूरी मक्की मैं ऐसे ही काटूँगी, सिर्फ मेरे पास दो मक्की थी तो अच्छी थी। फिर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च काटी और ये प्याज काटा, और इसमें क्या मिलाया, मैंने बेसन मिलाया, हरी मिर्च मिलाई, मत चटपटा सा यार पकौड़ी वगैरह ना चटपटी सी अच्छी लगती है। फिर मैंने हरी मिर्च मिलाई ये काटी हुई, और नमक मिर्च पिसा हुआ था, फिर प्याज भी मिलाया मैंने इसके साथ। इसको मिलाऊंगी मैं, मतलब ये इसमें पानी बहुत कम डालना पड़ता है, ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता, तो इसको मैं फटाफट से क्या करूँगी, मिलाऊँगी अच्छी तरह मिलाऊँगी, क्योंकि मक्की थोड़ा ऐसी है ना, तो थोड़ा अच्छी तरह ही मिलनी चाहिए। फिर मैं इसे ताकत से मिलाऊँगी यार, क्योंकि टेस्टी खाने के लिए तो टेस्ट जरूरी होता है। तो मैं टेस्टी के लिए क्या करूँगी, हाथ से थोड़ा मिलाऊँगी, और फटाफट से मैं इसे तेल में रख रही हूँ पकौड़ी। तो इसको मैं अलट पलट करके ऐसे पलटूंगी, आँच ना बहुत कम रखूंगी क्योंकि जल्दी पक जाती है, और तो मतलब तेल ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी बना रही थी खाने के लिए, सिर्फ चाय के साथ खाने के लिए यार। तो ये चाय भी बन गई और पकौड़ी भी बन गई। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय।